students our today's topic is gene therapy it is one more biotechnological application in the field of medicine and what is gene therapy actually gene therapy means uh, that we can replace a faulty gene or you can say defective gene by a normal healthy functional gene and gene therapy is basically a collection of methods which allow the correction of the gene which is uh, defective and uh, this defective gene can be present in a child or in embryo also so in gene therapy normal gene are inserted into uh, the individual or embryo if in case it is embryo to take the uh, to take over the function

तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं वी हैव दैट फ्रीडम दैट वी कैन सपोज दिस जीन इज़ डिफेक्टिव तो वी कैन जस्ट इम्प्रूव इट और यू कैन से वी कैन जस्ट रिमूव इट एंड इंसर्ट द नॉर्मल फंक्शनल जीन ओवर हेयर इन द प्लेस ऑफ दिस जीन तो ये हम काम करते हैं जीन थेरेपी में कि हम किसी भी डिफेक्टिव जीन को कट करके वहाँ से निकाल के न्यू सिंथिसाइज जीन जो है यहाँ पर डाल देते हैं और वो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देता है जो भी उनका नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पा रहा था सो द फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ दिस जीन थेरेपी वाज डन इन 1990 ये एक सबसे पहले 1990 में किया गया एंड देयर वाज अ फोर ईयर बेबी गर्ल फोर ईयर ओल्ड गर्ल वाज देयर एंड शी हैज़ अ डिजीज़ दैट इज कॉल्ड S -C -I -D, s-c-i-d skid and skid means severe as for severe combined immunodeficiency disease so what happens in this disease is that our immune cell that means we have two types of immune cell b-type cell and t-type cells these both types of cells are absent and you can now understand that if your immune system is not uh, in the place then what will happen any kind of infection can occur टू दैट पर्सन और यू कैन से दैट पर्सन विज इज़ वेरी वीक इम्यूनोलॉजिकली तो कोई भी डिजीज़ उसको हो सकती है दैट मीन्स हर और हिज डिफेंस मेकनिज्म गेट्स वेरी वीक तो ये जो फोर ईयर ओल्ड चाइल्ड था इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि उसको एस सी आई डी डिजीज़ थी दैट मीन्स वियर इम्यूनो डिफिशेंसी डिजीज़ थी उसकी बॉडी में ना बी टाइप ल्यूम्फोसाइड बनते थे ना टी टाइप लिम्फोसाइड बनते थे तो उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो And uh, why? Uh, what is the cause of this? Because we all know that uh, there are certain enzymes, and uh, uh, one uh, such enzyme is known as ADA. That is known as ADA, amino uh, adenosine de deaminase deficiency. So this in this girl, that this enzyme is not present because there is a defective gene. इन प्रजेंट इन हर लिम्फोसाइट क्योंकि ये जो एन्जाइम्स हैं दैट मीन्स जो लिम्फोसाइट्स हैं दिज लिम्फोसाइट्स हैव सर्टन जीन्स कोई भी लिफोसाइट है तो उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर जीन होगा एंड सपोज दिस जीन इज डिफेक्टिव दैट मीन्स द जीन ऑफ लिम्फोसाइट ये लिम्फोसाइट हो गया इसके अंदर ये जीन हो गया सपोज इफ दिस इज डिफेक्टिव देन वाट हैपन्स जब ये जीन डिफेक्टिव है तो ये क्या करेगा डिफेक्टिव एंजाइम बनाएगा सपोज़ ये ए डी एडा एंजाइम बना रहा है तो ये एंजाइम जो है क्या होगा डिफेक्टिव होगा एंड दिस एंजाइम ये जो एंजाइम है ए डी ए दिस इज़ नेसेसरी फॉर द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो क्योंकि लिम्फोसाइट्स अगर मेच्योर नहीं होंगे सपोज लिम्फोसाइट इज़ नॉट गोइंग टू मेच्योर तो कैसे बनेंगे आपके जो सेल्स हैं इम्यून सेल्स हैं बिकॉज वैन एवर दिस लिम्फोसाइड गेट्स मेच्योर दे गेट्स डिफ्रेंशिएटेड इन टू टी टाइप सेल बी टाइप सेल एंड देन अगेन टी टाइप सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड इन टू किलर सेल दे डेवेल्प्ड इन टू द हेल्पर सेल हेल्पर टी सेल किलर टी सेल एंड दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस सर्टन ऑफ सेल्स तो वो जो सेल्स बने मेमोरी सेल्स लाइक मेमोरी सेल्स तो ये सारे सेल्स में डिफ्रेंश होते हैं टी टाइप एंड बी टाइप इट इट प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स जो हैं दे कम्बाइन फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन तो अगर लिम्फोसाइट्स नहीं हैं सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चाइल्ड फोर ईयर और गर्ल तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि उसके लिम्फोसाइट जो थे उसमें कोई जीन जो था वो defect se you can say recessive gene se it is unable to produce that enzyme ADA, and this ADA is necessary for the maturation of lymphocyte. and whenever lymphocyte matures, then they differentiate into different kinds of lymphocytes, T lymphocytes, and B-type lymphocytes, and they fight against the infection. That means they provide the immunity to that girl. अब ये लिम्फोसाइट में होने की वजह से क्योंकि जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि ये अगर लिम्फोसाइट के अंदर जीन अपने को अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता सपोज दिस इज़ द लिम्फोसाइट और इसमें जीन ने अपने को अच्छे से एक्सप्रेस कर देता तो ए डी एंजाइम बनता ए डी एनजाइम अगर बनता प्रॉपर तरीके से तो आपके टी टाइप सेल जो लिम्फोसाइट्स से, हैं वो प्रॉपरली मेच्योर हो सकते थे और जो डिजीज़ है वो नहीं होती उसको एस डिजीज़ जिसको डी इम्यूनो जिसको डिजीज़ बोला जाता है तो इस ये डिजीज़ इसलिए डेंजरस है कि अगर हमारे अंदर फाइट करने की कैपेसिटी ही नहीं है तो कोई भी इन्फेक्शन हमें हो सकता है और उससे वो इंसान की डेथ हो सकती है क्योंकि वो फाइट तो कर नहीं पाएगा उसकी बॉडी का डिफेंस मेकेजम तो है नहीं तो देर आर सर्टेन आ, 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 यू कैन से कि कुछ एक ऐसे चीज़ें थी जो आ, इसमें हमें क्योर करने के लिए चाहिए थी एंड आफ्टर द एविडेंट ऑफ द रिकॉम टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू गिव द क्योर ऑफ दिस डिजीज तो अब इसके लिए देर आर सर्टेन यू कैन से मैथड टू ट्रीट दिस डिजीज़ इस डिसडर को ट्रीट करने के लिए कुछ मैथड से तो फर्स्ट मैथड इज़ दैट यू कैन ट्रीट दिस डिजीज़ बाई द बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन दिस इज द फर्स्ट मैथड बिकॉज यू नो दैट दिस डिस ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडनोसिन डी एम एस कि वो जीन होता नहीं अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करता है ना तो कुछ uh, जो चिल्ड्रेन थे उनमें हमने उसको क्योर किया बाई द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और कुछ में वी हैव जस्ट ट्रीटेड देम बाय गिविंग देम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी तो हमने एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी यूज़ किया दैट मीन्स वी इंजेक्ट द एंजाइम डायरेक्टली इन टू ब्लड स्ट्रीम ये भी हम कर सकते थे फंक्शनल ए डी ए बना के दैट uh, मीन्स जो एमिनोड uh, ये जो है एडिनोसिन एडिनोसिनिज एंजाइम है फंक्शनल ये देख दे, दे दिया जाता था इंजेक्शन के थ्रू बच्चों को एंड दे विल क्योर बट द प्रॉब्लम वॉज विद बोथ द बोथ दिस काइंड ऑफ मैथड Yeah, or you can say both these kind of approaches because they are not completely curative after sometimes they have again create some problem the body creates some certain problems and you have to take care of it so at first step towards the gene therapy uh, what we does it that uh, we just take the lymphocyte from the blood of the patient and uh, we grow them uh, in culture medium outside the body and uh, functional ADAC DNA uh, complementary DNA uh, is then introduced into these lymphocytes and which are again returned back to the patient so this we by the help of the, this flowchart i can make you understand that in short i have written that in a four year old girl there is uh, she is provided by the gene therapy and uh, why she has given the gene therapy because she is unable to produce uh, enzyme ada and this enzyme is required for the maturation of lymphocyte. So, if there is absence of ADA, why absence of ADA? Because there is a defective gene for it, and when there is no ADA, there is no maturation of the lymphocyte. So, doctors decided to give her gene therapy in 1990. That means they just try to uh, remove that defective gene from uh, her lymphocyte and insert the uh, functional gene. फॉर दिस लिम्फोसाइड तो उन्होंने उसके जो डिफेक्टिव जीन को काट के निकाल के वहाँ से अपना नॉर्मल जीन जो है वहाँ पर डाल दिया सो so दैट वो ए डी को प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे बनाना स्टार्ट कर दे तो क्या किया गया कि सबसे पहले उसी गर्ल के बोन मैरो से वी जस्ट टेक लिम्फोसाइट सेल्स हमने पेशेंट की बॉडी से ही लिम्फोसाइड सेल ले लिए एंड वी ऑल्सो वॉट डज इट दैट वी जस्ट टेक द जीन ऑफ हेल्दी डोनर कोई भी हेल्दी डोनर होगा जिसका ए डी ए जो जीन है वो ठीक होगा जो काम करता होगा जो एंजाइम बनाता होगा वो जीन हम किसी डोनर से लें या हम आर्टिफिशल करें जैसे भी दैट मीन्स वो हेल्दी जीन हमने लेना है और वो हेल्दी जीन सपोज दिस इज़ द लिम्फोसाइड ऑफ द चाइल्ड इस हेल्दी जीन में हमें डोनर के थ्रू मिला हुआ जो आ, जीन था ये मतलब ये वाला जो ब्लू कलर का जीन मैंने बनाया दिस इज़ द जीन ऑफ दैट लिम्फोसाइट ऑफ दैट गर्ल तो वहाँ पर हमने इसको जो है वो इंसर्ट कर दिया होता है जो हेल्दी जीन होता है उसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया होता है डोनर जीन को थ्रू द रेट्रोवायरस वायरस क्योंकि उसके हमें मल्टीपल कॉपी बनानी रिकॉम या टेक्नोलॉजी के थ्रू तो यहाँ पर हमने प्लाज्मा ले लिया या जो भी जैसे हम लेते थे तो हेयर वी यूज द रेट्रो वायरस ग्रुप के जो वायरसेज हैं उनको लिया और एज अ वैक्टर हमने लिया रेट्रो ग्रुप वायरसेज वी यूज एज अ वैक्टर एंड उसमें हमने क्या किया कि ये जो नॉर्मल जीन था वो हमने इसके साथ में इनकॉर्पोरेट कर दिया एंड वेनवर दिस रेट्रोवास मल्टीप्लाइज तो ये बहुत सारी इसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो है लम्फोसाइट्स की बन जाती हैं एंड वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट दैट मीन्स इन द लेबोरेटरी तो जब बहुत सारे लम्फोसाइट्स बन जाते हैं आउटसाइड द बॉडी देन वी ट्रांसफ्यूज इट इसको हमने फिर ट्रांसफ्यूज़ कर देना है दैट मीन्स वापस हम इसको किसको दे देते हैं पेशेंट की बॉडी में वापस डाल देते हैं क्योंकि उसका डिफेक्टिव क्या था उसका डिफेक्टिव था लिफोसाइड बच्चे का और वो लिम्फोसाइड डिफेक्टिव होने की वजह से जो है उसके अंदर क्या नहीं बन पा रहा था क्योंकि उसके अंदर जीन डिफेक्टिव था तो उस डिफेक्टिव जीन को काट के हटा दिया हमने एंड नॉर्मल फंक्शनल जीन जो है वहाँ पर ऐड कर दिया सो so दैट वो फंक्शनल जीन वो क्या कर सकता था वो नॉर्मल ए प्रोड्यूस कर सकता था तो इन दैट वे वी जस्ट प्रोड्यूस दी ए सी डी ए सी डी ए दैट मीन्स दिस ए डी ए सी डी एन ए सी डी एन ए मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तो इस तरह से हमने बॉडी के अंदर उसको वापस से इन्फ्यूज कर दिया एंड दिस मैथड इज क्वाइट यू कैन से सक्सेसफुल मैथड बट देयर इज अ प्रॉब्लम दैट आफ्टर सम टाइम्स बिकॉज लिम्फोसाइट आर जस्ट नॉट इमोटल वो आ, कुछ टाइम के बाद फोर और फाइव डेज बाद दे आर जस्ट रिमूव और दे आर जस्ट वार्ड ऑफ वो ख़त्म हो जाते हैं किल मर जाते हैं लिम्फोसाइड्स तो वी हैव टू तो गिव दिस इन्फ्यूजन अगेन एंड अगेन हमें बार बार उनके डब्ल्यू बी सी चाइल्ड की बॉडी से निकालने हैं उसके बोन मैरो से और उनके अंदर उसके डिफेक्टिव जीन को हटा के उसके अंदर करेक्ट जीन डाल के वापस से ये लिम्फोसाइड उसके ब्लड स्ट्रीम में डालना है पेशेंट में तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल थिंग वो बार बार वो काम करना तो फिर भी अभी फ़िलहाल यही क्योर किया जाता था कि पीरॉडिक इन्फ्यूजन ब्लड का करना पड़ता था जेनेटिक इंजीनियर्ड इसको आप बोलोगे आप ये जो बन गया लिम्फोसाइट जिसके अंदर आपने अपना करेक्ट जीन डाल दिया है तो यू कॉल देम जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट अब ये गया ना क्योंकि आपने इसके अंदर अपना जो बनाया हुआ जीन था जो डिफेक्टिव जीन नहीं था जो नॉर्मल था वो आपने डाला है तो अगर हम चाहते हैं कि वी जस्ट वॉन्ट टू क्योर दिस डिजीज हंड्रेड परसेंट तो वॉट वी हैव टू डू इज दैट इफ़ वी आइसोलेट द जीन फ्राम बोन मैरो सेल्स विच कैन प्रोड्यूस ए डी ए इज इंट्रोड्यूस इन टू द सेल एट अर्ली एम्ब्रिक स्टेज इट वुड बी देन परमानेंट क्योर दैट मीन्स कि अगर हम जीन को आइसोलेट कर लें बोन मैरो सेल से जो कि ए डी ए बनाती हैं और एम्ब्रियनिक स्टेज में ही हम डाल दें उनको लिम्फोसाइट्स के अंदर तो ये परमानेंट क्योर होगा बिकॉज इन एम्ब्रियनिक स्टेज सेल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड तो बजाय ये तो हमने बड़े बच्चे में किया था दैट मीन्स वेन चाइल्ड इज फोर ईयर्स ओल्ड तो हमने उसका क्या किया था लिम्फोसाइट निकाला बोन मैरो से उसका वाला डिफेक्टिव जीन के साथ में हमने अब हटा के कट करके और हमने वहाँ पर नॉर्मल जीन जो डाल दिया थ्रू द हेल्प ऑफ द रेट्रोवायरस एंड

और उनको एम्ब्रियनिक स्टेज में ही उसमें हमने इंट्रोड्यूस कर देना है अपना फंक्शनल ए डी ए अगर किसी के अंदर नहीं बन रहा ये डिजीज है ये डिजीज़ है इफ़ यू डिटेक्ट इट अर्ली एम्ब्रनिक स्टेज ऑल्सो तो अगर एम्ब्रियनिक स्टेज में हम डाल देते हैं फंक्शनल जीन तो इट विल बी हंड्रेड परसेंट क्योर ऑफ द डिजीज़ फिर आपको अलग से बार बार निकालना लिम्फोसाइट एल को देना नहीं पड़ेगा तो दिस इज ऑल फॉर द जीन थेरेपी आई होप यू अंडरस्टैंड इट